नगर के एक सराफा व्यापारी की दुकान पर शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे इनकम टैक्स विभाग के फर्जी इंस्पेक्टर बनकर तीन बदमाश पहुंचे। अपना आई कार्ड दिखाकर बैठे और साथ लाए लैपटॉप को खोला। उसमें से व्यापारी को उसकी फर्म का नाम और जीएसटी नंबर दिखाया। इसे देखते ही व्यापारी घबरा गया और बदमाशों के कहने पर तिजोरी खोल दी। सवाल जवाब के बीच फर्जी अफसरों ने अपने साथ लाए इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे पर तिजोरी में रखा सोना तोल कर अपने बैग में रख लिया। इसके बाद व्यापारी को 40 लाख रुपए सरेंडर करते हुए सोना वापस ले जाने की चेतावनी देकर पैदल ही चले गए। इनकम टैक्स रेड से घबराए व्यापारी ने बाजार में बिना कोई शोर किए जाकर परिजनों के घटना की जानकारी दी। वहां उसे पता चला कि फर्जी इनकम टैक्स अफसर बनकर आए तीन बदमाश उसे ठग कर चले गए हैं। ये घटना सिरोंज के सराफा बाजार में एक व्यापारी मुरलीधर मेंगुलाल ज्वेलर्स के साथ हुई। हर्ष कुबेर तारण पिता राज कुबेर की दुकान पर फर्जी इंस्पेक्टर बन के आए तीन बदमाश करीब 15 लाख रुपए का 418 ग्राम सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। हर्ष सुबह 10 बजे दुकान का ताला ही खोल रहे थे कि तीन लोग पीछे से आकर खड़े हो गए और कहा कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। एक ने अपना आई कार्ड भी दिखाया। बदमाशों ने कहा तुम्हारी फर्म पर 40 लाख रुपए की रिकवरी निकल रही है। हर्ष ने पिता को फोन लगाने की कोशिश की तो उन्होंने उसके दोनों मोबाइल छीन लिए। एक ने बही खाते की जाँच शुरू कर दी और दो ने तिजोरी खुलवाई। बदमाश सोना बैग में रखने लगे तो हर्ष ने टोका कि पापा को आने दो। अफसरों ने उसे डांटते हुए कहा कि हम उनका इंतजार क्यों करें और कहा कि 40 लाख रुपए सरेंडर कर अपना सोना वापस ले जाना और नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर आए इन बदमाशों ने सराफा व्यापारी को एक बार फिर चूना लगा दिया और उनके डर से सराफा व्यापारी ने अपना सारा सोना उन्हें सौंप दिया और वो बिना किसी रोक टोक के सरेआम दिन दहाड़े सुबह सुबह ही व्यापारी को चूना लगाकर रफू चक्कर हो गए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।